जय हनुमान जी। हनुमान जी की 5 पौराणिक कथाएं आज मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायणों में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाएं ऐसी मिलती हैं जो आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक यानी आज तक बहुत सारी कथाएं हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। हनुमान जी को संकट मोचन देवता कहा गया है और एक वो ही अकेले ऐसे देवता हैं जो कलयुग के हर संकट को आसानी से मिटा देते हैं। एकमात्र इन्हीं की भक्ति कलयुग में फलदायी है, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। आइए जानते हैं उनकी 5 पौराणिक कथाएं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। लंका विजय पर के बाद अयोध्या लौटने से पहले भगवान श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देकर विदा कर दिया था, लेकिन हनुमान जी प्रार्थना करते हैं कि जब तक शरीर में प्राण रहें मैं आपके साथ रहूं, मैं आपसे जुड़ा रहूं, और भगवान श्री राम इसके लिए उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। नंबर 2, संजीवनी पर्वत को हनुमान जी ने 2 बार उठाया था। एक बार बचपन में ही हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाकर देवगुरु बृहस्पति के कहने पर अपने पिता के लिए ले गए थे। ये देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। और उसके बाद राम रावण युद्ध में जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया था, तब वो बूटी लेने इस पर्वत पर गए थे और इसको उठा के लाए थे। नंबर 3, विभीषण और राम को मिलाना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजे पर राम लिखा मिलता है। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। विभीषण उनसे जब उनका परिचय पूछते हैं, हनुमान जी खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं, तभी हनुमान जी जान जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत काम का है और विभीषण को राम जी से मिलाने में हनुमान जी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि जब विभीषण राम जी के पास आए थे तब उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन विभीषण के कारण ही लंका पर विजय संभव हुई, यह सब आप जानते हैं। नंबर 4, सबसे पहले लिखी रामायण। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से भी पहले रामायण लिख दी थी और ये रामायण हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से ये काम किया था और इसीलिए हनुमान जी द्वारा रचित रामायण को हनुमद रामायण कहा जाता है। नंबर 5, हनुमान और अर्जुन। आनंद रामायण में वर्णन मिलता है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी यही कारण था कि एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो गया था। उनकी पहली मुलाकात में ही हनुमान जी से अर्जुन ने कहा था, अरे राम और रावण के युद्ध के समय आप थे। दोस्तों, ये 5 पौराणिक कथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आशा है ये सारी बातें जानकर आपको हर्ष होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।